हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टॉक पे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट होने चाहिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अगर आपको नहीं पता तो अगली किसी वीडियो में हम जान लेंगे इस बारे में। तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले अपना अपस्टॉक्स पे, और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिएंगे जो आपको हैंडी रखने हैं, अपने पास रखने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वो हैं आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके बैंक की डिटेल्स, बैंक के अकाउंट नंबर, IFSC कोड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है अपने पास। और अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है वो 99 रुपीज़ है प्लस 18% GST लगेगा, तो लगभग आपका 118-119 रुपये आपके लगेंगे ये अकाउंट ओपन करने के लिए। इससे कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ये फ्री होता था अकाउंट, फ्री ओपन कर सकते थे, अभी इन्होंने चार्जेबल कर दिया है। लेकिन दूसरे जो ब्रोकर्स हैं, दूसरी जो कंपनियां हैं, उनसे फ़िलहाल ये अब भी कम है। 99 में आपका अकाउंट खुल रहा है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी जिसको हम ओवरकम करके अपना अकाउंट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं एक बार लिंक देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो आपको इस तरह का एक लिंक दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही एक किस तरह का एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, साइन अप फॉर न्यू अकाउंट बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल देना है, ऊपर ईमेल एड्रेस और नीचे मोबाइल नंबर, और सेंड OTP उस पर क्लिक कर देना। तो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूं ऊपर, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है, नीचे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं अपने। और दोस्तों आपके पास अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में एक वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो लाइव होगा। तो आपको ध्यान में रखना है एक वेबकैम होना चाहिए अगर कंप्यूटर पे बना रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अभी सेंड OTP इस पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर डालना है। अभी तो OTP आ जाता है हमारे पास, तो OTP हमारे पास आ चुका है 608163। तो OTP मैंने डाल दिया, अभी साइन अप इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपको अपनी पैन डिटेल्स डालनी है, आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, मैं डाल देता हूँ एक बार। अभी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है नीचे जो आपके पैन कार्ड में है, वो सिलेक्ट कर लेनी है आपको यहाँ से। देखिए मैं ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2001, और मंथ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अभी तीनों चीज़ें सिलेक्ट करके अभी नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है। अभी अपने बारे में कुछ और डिटेल्स आपको डालनी है, व्हाट इज़ योर जेंडर, जेंडर मेल है, फीमेल है या ट्रांस, तो मेल डाल देता हूँ मैं। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है या अदर, डाइवोर्स वगैरह है तो वो डाल सकते हैं अदर में, तो अभी सिंगल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपकी कितनी है, बिलो 1 लाख से कम है, 1 लाख या 5 लाख के बीच है, और 25 लाख से ऊपर है तो अबाउ 25 लाख, ये सारी चीज़ें देख लेना इनमें से जो भी आपकी एनुअल इनकम है। मैं बिलो 1 लाख कर देता हूँ। अभी नीचे आना है, व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है, पहले आप ट्रेडिंग करते हो तो देख लेना, नहीं है तो लेस देन 1 ईयर कर देना है हमें, नए अगर आप फ्रेशर हैं तो। आर यू पोलिटिकली एक्सपोज्ड, पोलिटिकली एक्सपोज्ड का मतलब है कि अगर आप किसी पद पे थे और आपने कुछ ब्राइब वगैरह, रिश्वत वगैरह कुछ ऐसा काम किया है और आपके खिलाफ कोई केस वगैरह हो गया है, तो ज़्यादातर केसेस में आपको नो ही करना है, ठीक है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, ये आप क्या काम करते हैं सिलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सेक्टर में है आप, प्रोफेशनल हाउसवाइफ, रिटायर्ड, स्टूडेंट, जो भी हैं इनमें से सिलेक्ट, स्टूडेंट है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेट सेक्टर, सिलेक्ट कर लिया अभी। योर फादर्स नेम एज योर पर योर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड में जो आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, फादर नेम आपको डाल देना है अभी नीचे। इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इंडिया, जिस कंट्री में आप टैक्स पे करते हैं वो इंडिया है या कोई और, ठीक है, तो इंडिया है हमारी, तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। और नीचे आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन इस पर क्लिक कर देना है, अभी नीचे चलना है, अभी नीचे कुछ नहीं है, अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें। अभी देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल कुमार, दिस इज़ योर चांस टू विन अ फ्री स्टॉक, ओपन योर अकाउंट टुडे एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ सरप्राइज स्टॉक। तो अभी आपको फ्री स्टॉक्स चाहिए तो यस कर देना है, और नहीं चाहिए तो नो आई डोंट कर देना है आपको, यस आई वॉन्ट फ्री स्टॉक इस पर क्लिक कर देते हैं, आप डोंट वॉन्ट भी कर सकते हैं।
यस आई वॉन्ट फ्री मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे साइन कर देते हैं हम। इस बॉक्स में आपको साइन करना है, जिस तरह से आप पेन से पेपर पे साइन करते हो ना, उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। मैं कर देता हूँ एक बार, ये साइन कर दिया है। अभी नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है हमें, अपनी उंगली से साइन करना है हमें इस पर। ओपन योर अपस्टॉक्स अकाउंट इन अ ब्लिंक विद डिजीलॉकर। ठीक है, अभी डिजीलॉकर हमें कनेक्ट करना है अपना, ये मैंडेटरी है। आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से, यहाँ ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, विद योर आधार लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर नो डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर। अभी कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक्स, इस पर क्लिक कर देना है। अभी अपना आधार नंबर यहाँ पे हमें डाल देना है, मैं डाल देता हूँ एक बार। आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ये देखिए मोबाइल नंबर के लास्ट 7171 आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट डिजिट। ठीक है, ये OTP आ चुका है, ये डाल देना है, OTP यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर अगर इसमें कोई और दिखा रहा है तो ध्यान रखना, आपको जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है वही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। ये 20 सेकंड, अभी ये सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है, इससे पहले आपको करना है, नहीं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अपस्टॉक डिजीलॉकर इंटीग्रेशन इसको अलाउ कर देना है आपको। अभी आपको कैमरा से वेरीफाई करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पे अभी अलाउ कर देना है आपको, क्योंकि आपका कैमरा ओपन होगा अभी। ठीक है, ट्राई अगेन कर दिया, अपस्टॉक्स वॉन्ट टू यूज योर कैमरा अलाउ, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। गोट इट, इस पर क्लिक कर देता हूँ। उप्स, लुक्स लाइक देर वॉज एन एरर, यू डिनाइड कैमरा एक्सेस। अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए इसके लिए हमें ये 3 डॉट साइन पे क्लिक कर देना है। अभी हमें चलना है सेटिंग्स में, और 2-3 चीज़ें हमें करनी है। यहाँ पे सेटिंग में चलकर साइट सेटिंग्स पे आना है। साइट सेटिंग पे क्लिक करके हमें यहाँ पे कैमरा आस्क फर्स्ट है, इस पर पहले तो ये कैमरा ऑन होना चाहिए, जैसे ये ऑफ हो तो इसको ऑन कर देना है हमें। दूसरा, नीचे ये एक साइट ब्लॉक्ड लिखा हुआ आ रहा है upstocks.com, तो इस पर क्लिक करना है हमें upstocks.com। इस पर क्लिक करने के बाद अभी अलाउ कर देना है, तो ये अलाउड हो गया है। अब इसको बैक कर लेना है, और कैमरा सेटिंग्स, और देखिए कैमरा और माइक्रोफोन इनको भी ऑन रखना है हमें। ठीक है, ये आस्क फर्स्ट है तो ठीक है, तो ये कर देंगे। अभी हम वापस से आ जाते हैं, अभी इस पेज को एक बार रिफ्रेश करना है, या तो आप उंगली नीचे लेके आएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, या इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करके, ये एक तीर का निशान है, गोल तीर, गोल एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अभी नीचे नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है हमें। अभी गोट इट, ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, कीप योर फेस विद इन द बॉक्स, ओनली बॉक्स में आपका फेस होना चाहिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इफ द फेस इज नॉट विजिबल प्रॉपरली देन योर एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड। अगर फेस आपका प्रॉपरली नहीं दिखा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो अभी फेस आपको अच्छे से दिखाना है, और कैप्चर इस पर क्लिक कर देना है। कैप्चर करने के बाद अगर आपकी इमेज ठीक नहीं लग रही आपको, तो आप टेक अनदर इस पर क्लिक करके दोबारा ले सकते हैं। गोट इट, फिर से इस पर क्लिक कर देना है, और अच्छे से आपका फेस आना चाहिए, अच्छे से आपका फेस आना चाहिए, और कैप्चर इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो अच्छे से देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फेस विजिबल है बिल्कुल। अभी एक्सेप्ट इस पर हमें क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह का आपका फेस दिखाई दे रहा है। ये आप घबराना नहीं, आपका फेस थोड़ा सा चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए लुकिंग गुड, ठीक है। ये रीटेक अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ठीक है ये फ़ोटो। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें। अभी हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है यहाँ पे, फिर IFSC कोड, और फिर बैंक अकाउंट नंबर। तो मैं डाल देता हूँ अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे नाम डाल दिया है। अभी IFSC कोड डालेंगे हम अपने बैंक का, वो आपको अपनी बैंक की पासबुक पे देख लेना है। तो बैंक, ये IFSC कोड डालते ही नीचे आपके बैंक का एड्रेस आ जाएगा, आपकी ब्रांच, जो आपका बैंक जहाँ जिस शहर में है उस ब्रांच का नाम आ जाएगा, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुड़गांव ब्रांच, जहाँ की भी होगी वहीं की ब्रांच का आपका एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, आप कंफर्म कर लेना एक बार आपका IFSC कोड। अभी बैंक अकाउंट नंबर डालना है हमें, री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे दोबारा अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अभी अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट है। नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है। ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा हो तो एडिट ईमेल इस पर क्लिक करके आप ईमेल को एडिट भी कर सकते हैं, कोई दूसरा ईमेल आप डालना चाहते हैं तो। ठीक है, हम नहीं डालना चाहते, सेम ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं, तो गेट OTP इस पर क्लिक कर देना है हमें। अभी आपके ईमेल एड्रेस पे एक OTP आएगा, आ चुका है, वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डालना है वो, इस जगह पे आपको OTP हमने डाल दिया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें,
साइन अप फॉर 99। ठीक है, तो इस पे जो ये गोला एक गोल साइन दिखा रहा है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट नीचे इस पे क्लिक कर देना है हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद। अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर हमें डालने हैं अपने। अभी अपने फ़ोन नंबर डालने के बाद प्रोसीड इस पे क्लिक कर देना है। अभी पेमेंट होगी हमारी। पेमेंट हम कार्ड से कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए कार्ड है तो, या हम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या वॉलेट मोबीक्विक या पेटीएम वगैरह, या पे लेटर ICICI बैंक के द्वारा पे लेटर बाद में पे भी कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान ऑप्शन है वो UPI है। ये कोई भी आप अगर कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो कार्ड के आपको कार्ड के नंबर डालने हैं, वो आप कोई वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आ रहा तो हम UPI सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बार UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे गूगल पे है, गूगल पे कर सकते हैं, या आप UPI ID भी नीचे डाल सकते हैं। तो अगर गूगल पे से करते हैं तो गूगल पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, और पे 116 इस पर क्लिक कर देना है। गूगल पे आपका खुल जाएगा अगर आपके इसी फ़ोन में है तो। ये देखिए आ चुका है हमारे पास पेमेंट ऑप्शन, प्रोसीड टू पे इस पर क्लिक कर देना है हमें। पिन डाल देना है, ओके कर देना है, और आपकी पेमेंट होने के बाद उसी पेज पे हम वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, वापस उसी पेज पे आ चुके हैं हम। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर लिमिटेड प्लान ऑफर ऑन देयर वे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा अकाउंट खुल चुका है। अभी नेक्स्ट इस पे क्लिक कर देना है हमें। अभी आप अगर फ्यूचर ऑप्शंस और करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो यस एक्टिवेट दीज सेगमेंट्स। तो अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में करेंगे इनको सिलेक्ट तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि ये इस पे क्लिक करते ही यस पे, तो आपको इनकम प्रूफ आपको डालना है। अभी इनकम प्रूफ टाइप क्या क्या होते हैं, IT रिटर्न्स आप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट की लास्ट 6 मंथ की डिटेल आप दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो फिलहाल हम नो कर देते हैं, आप बाद में भी इसको कर सकते हैं आसानी से अपनी ऐप या अपने अकाउंट में। ठीक है, तो बाद में कभी कर लेंगे आप, कमेंट कर देना आपको करना हो तो। आगे हम इसके बारे में सीखेंगे भी, फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी क्या होते हैं। तो अभी नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं नो करके। अभी आपको ई साइन करना है, तो ई साइन आधार OTP इस पर क्लिक कर देना है। आपका आधार नंबर के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ये नीचे देखिए कंप्लीट अप स्टॉक एप्लीकेशन PDF भी आ चुका है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आधार OTP इस पर क्लिक करना है हमें। अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होगी, वो डाउनलोड होने के बाद आपका ई साइन आएगा। अभी देखिए ये डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन आपका ई साइन खुल जाएगा। ई साइन नाउ इस पर क्लिक कर देना हमें, फिर आपके पास एक OTP आएगा। ठीक है, ये देख लेना है, राहुल कुमार आपका नाम जो भी है वो, और आई हैव रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस इस पर क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है इसको, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अभी प्लीज़ वेट आ रहा है, थोड़ा वेट कर लेना है हमें, प्रोसेसिंग हो रही है। अभी NSTL की साइट पे हम पहुंच चुके हैं। अभी ये देखिए ऊपर एक बॉक्स है, इस पर टिक मार्क कर देना है हमें, और नीचे अपना आधार नंबर डाल देना है हमें जो ऑप्शन है इसमें। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP इस पर हमें क्लिक कर देना है। अभी OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, एक वो OTP हमें यहाँ पे डालना है। OTP आ चुका है, OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP इस पर क्लिक कर देना है। सक्सेस, OTP वेरीफाई होने के बाद अपने आप ये फिर से वही पे हो जाएगा। अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेने हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर साइंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीड इस पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो रहे हैं हमारे, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके डाउनलोड हो चुके हैं, और आपके पास एक SMS भी आ जाएगा वेरीफाई के लिए। एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है, आपका अकाउंट खुल चुका है। अभी ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हुए हैं तो यहाँ से डाउनलोड इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसके बाद अभी ये वेरीफाई होंगे, आपकी सारी डिटेल्स, आपका फेस, आपकी फ़ोटो, आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वेरीफाई होंगे। आपके पास कॉल भी आ सकता है अब स्टॉक से, 2-3 दिन लगेंगे इसमें वेरीफिकेशन में, और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और लॉगिन डिटेल्स आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएंगी। ठीक है, आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाएगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो ऐप हो उसमें कर सकते हैं, या आप स्टॉक्स की वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ी लंबी थी, थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी कुछ आपके प्रॉब्लम भी आई होंगी, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो जो भी प्रॉब्लम आपको आई होंगी सभी का आपको सॉल्यूशन मिला होगा। तो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और 2-3 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, जल्द से जल्द उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक लिए अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।